Hello students, good morning. Hope you all are fine students. Welcome to our Navnidhi International School online video platform. Students, today is your English subject period. So let's start. Unit 6, हम ट्रेन के बारे में पढ़ चुके थे. And today we will read the story of the road. यानी कि रोड मीन्स रास्ता, उसकी कहानी हम पढ़ेंगे, पार्ट वन. सो स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट आवर टॉपिक, वी हैव टू सी सम मीनिंग्स. कुछ मीनिंग्स है वो देखेंगे. अस्लिप मीन्स स्लीपिंग, स्लीपिंग मीन्स सोए हुए रहना. सॉफ्टली, सॉफ्टली मीन्स इन ए लो वॉयस, यानी कि धीरे से बात करना. फुलिश, फुलिश मीन्स स्टूपिड, फुलिश मीन्स जिसको कुछ भी नहीं आता है. ए फुलिश बॉय, ए फुलिश गर्ल, यानी कि टीचर कितना भी पढ़ाए, कुछ भी करे, जिसको समझ में नहीं आता उसको क्या बोलेंगे, उसको फुलिश कहते हैं. एंड योर हार्ड वर्ड्स, ई ए आर एल वाई अर्ली जल्दी, एम ओ आर एन आई एन जी मॉर्निंग सवेरे, के यू आई आई टी क्वाइट, एल आई एस टी एन लिशिन, डब्ल्यू ए के यू वेक यू पी ऑफ, यानी कि उठ जाओ. सो वी विल स्टार्ट स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एज पेज नंबर 57. लेट स्टार्ट. इट इज अर्ली मॉर्निंग, द रोड इज अस्लीप, एवरीथिंग इज क्वाइट. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट पैराग्राफ में इट इज अर्ली मॉर्निंग, यानी कि सवेरे सवेरे का टाइम है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग, जल्दी जग जाते हैं हम, एक्सरसाइज करने जाते हैं, वो अर्ली मॉर्निंग का समय है. मतलब सन आने की, सूर्य जो है ईस्ट में उगते हैं, तो ईस्ट में आने से पहले जो आधा घंटे के पहले की बात है, अर्ली मॉर्निंग, एकदम सवेरे सवेरे क्वाइट. द रोड इज अस्लीप, जो रास्ता है, लुक एट योर पिक्चर, यहाँ पे दो आँख है, आँख बंद है, यानी कि सोया हुआ है. सवेरे सवेरे के टाइम है और रोड जो है वो सोया हुआ है. एवरीथिंग इज क्वाइट, कहीं पे भी जाओ चारों ओर एकदम शांत ही शांत है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. बट लिसन, पर सुनो स्टूडेंट्स, लिसन यानी कि सुनना. बट लिसन, द बर्ड्स आर कॉलिंग सॉफ्टली. बर्ड्स यानी कि हमारा जो पक्षी होते हैं बर्ड्स, वो सॉफ्टली यानी कि धीरे से आवाज से बोलते हैं. चिरप 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 सेज द स्पैरो, बर्ड्स में कौन बोलता है, स्पैरो, जो चिड़िया होते हैं वो चिरप 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 ऐसे धीरे धीरे आवाज से वो बोलते हैं. का 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 सेज द क्रो, कौवा भैया कैसे बोलता है, का 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 चिल्लाता है ना स्टूडेंट्स. आप लोग सोते हुए रहते हैं, आपको अगर खिड़की के पास आके चिल्लाता है तो आप लोग बोरिंग होते हैं, हट सवेरे सवेरे आ गए कौवा भैया. लेकिन स्टूडेंट्स, ये कौवा भैया हकीकत में हम लोग को जगा रहे हैं, चलो भैया सवेरे हो गया, कब तक सोओगे. अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, यानी कि जल्दी सोना और सवेरे सवेरे उठने से एक पर्सन परफेक्ट रहते हैं. सो स्टूडेंट्स, का 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 सेज द क्रो, कौवा भैया का का करते हैं और हमको बोलते हैं वेकअप वेकअप, उठ जाओ उठ जाओ. हियर इज समवन एल्स नाउ, खाली स्पैरो और क्रो नहीं है, इनके अलावा भी और भी कोई है, कौन है वो. ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग इट इज द न्यूज पेपर बॉय, जब कोई नहीं आता है सवेरे सवेरे हमारा घर पे, अखबार आता है ना न्यूज़पेपर,
ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग उनका साइकिल का जो बेल होते हैं उसको बजाते हुए एक न्यूज़पेपर बॉय, यानी कि जो हमारा घर पे हमको पूरी दुनिया की खबर छपा हुआ पेपर में ला के देते हैं, उसको न्यूज़पेपर कहते हैं, न्यूज़पेपर बॉय। तो वो भी बेल बजाते हुए आते हैं। टर्न योर पेज। ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग सेज हिज बाइसाइकल। वो न्यूज़पेपर बॉय जो है वो किसके ऊपर आते हैं? एक बाइसाइकल यानी कि एक साइकिल के ऊपर आते हैं। ट्रिंगलिंग वेक अप यानी कि उनकी जो साइकिल की बेल होती है वो ट्रिंगलिंग ट्रिंगलिंग, मतलब आप लोग कौवा भैया जैसे हमको बोलता है कि उठ जाओ उठ जाओ, ये भी कहते हैं उठ जाओ उठ जाओ। चिरप 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 सेज द स्पैरो। स्पैरो जो चिड़िया है वो क्या कहते हैं? चिरप चिरप चिरप। एंड कौवा भैया क्या कहते हैं? का का सेज द क्रो। हु इज दिस कमिंग नाउ? पहले स्पैरो आए, फिर क्रो आए, फिर न्यूज़पेपर आए, इसके अलावा भी कोई है? हु इज दिस कमिंग नाउ, अभी कौन आ रहा है? इट इज द वेजिटेबल मैन। वो कौन आते हैं? जो हमारा गली में हमारी सोसाइटी में एक लारी के ऊपर हर तरीके की सब्जी रखे हुए आते हैं ना, वो वेजिटेबल मैन कहते हैं। इट इज द वेजिटेबल मैन। पीस कॉलीफ्लावर केवे सेज द वेजिटेबल मैन। वेजिटेबल मैन जो है वो क्या, देखो स्टूडेंट्स लारी के ऊपर वेजिटेबल लेके आते हैं पिक्चर से, उसको देख के कहते हैं वेजिटेबल मैन। आके क्या बोलते हैं? पीस बटाना, कॉलीफ्लावर फूलगोभी, कैबेज पत्ता गोभी सेज द वेजिटेबल मैन। पटाटोस कुकुम्बर्स रेडिश कैरोट, उसके साथ साथ पीस कॉलीफ्लावर कैबेज के साथ साथ और दूसरी सब्जी कौन से भी लेके आए हैं? देखो लारी में पिक्चर है, पटाटोज है, आलू कुकुम्बर काकड़ी रेडिश मूली कैरोट गाजर, ये सब सब्जी लेके वेजिटेबल मैन आए हैं। का सेज द क्रो वेक अप। फिर कौवा बोलता है का, इनके वो कौवा बोलते हैं उठ जाओ। चिरप चिरप सेज द स्पैरो। स्पैरो क्या कहते हैं? कि आप अभी उठ जाओ उठ जाओ। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक पार्ट वन में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट पीरियड फिर हम पार्ट टू में पढ़ेंगे। तब तक आपको ये हर्ड वर्ड्स 3 टाइम्स और मीनिंग्स 3 टाइम्स लिख के लर्न कर लाए। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।